अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जिसके लिहाज से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं और कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जिनके लिहाज से यह है कि आपको काफ़ी ट्रबल शूट करना पड़ जाता है और कई दफ़ा आपको समझ नहीं आती और कुछ इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। अब जिस तरह एक प्रिंटर ये मेरे पास है, ये HP 400 प्रिंटर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक तो ये पेपर सेकंड ट्रे से जब आप प्रिंट वगैरह देते थे तो इसका आउट पिन पे आके यहाँ पे पेपर रुक जाता था अक्सर, तो ये जैम होता रहता था। तो उस लिहाज से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मैं आपको बताते चलूँ। एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ, एक तो आउट पिन का ये सेंसर होता है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो ये सेंसर होता है। समटाइम ये होता है कि इस सेंसर काम न करने की वजह से आपका अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि आउट बिन का एरर आता है आप लोगों को, एक ये चीज़ होती है। दूसरी ये है फ्यूज यूनिट के अंदर प्रेशर रूलर, और जो इसका ये फ्यूज यूनिट होता है इसका प्रेशर रूलर में ये होता है, समटाइम ये होता है कि इसका प्रेशर रूलर में प्ले बहुत ज़्यादा आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत स्लो मूव होता है, उस वजह से प्रेशर रूलर और ये स्लीव है इसके ये चेक कर लेना चाहिए कि ये इसकी ख़राब है या नहीं, ठीक है। और आगे ऑप्शन आ जाती है पेज जैम होने की, सबसे मेन चीज़ ये है। अब इसकी ट्रे में जब यहाँ पे आपने पेज रखे होते हैं तो इसके नीचे ये एक रोलर लगा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरीके से ये रोलर लगा हुआ है, ये इसका पिकअप रोलर है। पिकअप रोलर ये होता है कि समटाइम ये है कि इसका ये एक साइड जो होता है प्ले का घिस जाती है, जिस वजह से प्लेन हो जाता है तो पेपर स्किप करना शुरू कर देता है, आपका पेपर ट्रे से प्रॉपर तरीके से उठाता नहीं है, जिस वजह से ये होता है कि आपका पेपर बार बार स्टक होना शुरू हो जाता है, या पेपर दो एक की बजाय दो भी उठाता है। अब पेपर एक तो ये मसला है पेपर स्किप करना, दूसरा एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आपका समटाइम ये होता है कि प्रिंटर आपका दो दो तीन तीन पेज उठा के आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिस वजह से ये होता है कि दो तीन पेज इकट्ठे उठाने से आगे जाके फ्यूज यूनिट में या उस जगह पे जाके पेपर जैम हो जाता है। उसका क्या इशू हो जाता है, सेकंड ट्रे में ये एक सप्रेशन पैड इसको कहते हैं, ये सप्रेशन पैड लगा होता है, ये अगर घिस जाए या इसमें कट पड़ जाए तो इस वजह से क्या होता है कि आपका पेपर जो होते हैं एक दो या तीन तीन पेपर उठाना शुरू कर देता है। अगर दो दो तीन तीन पेपर उठाए तो इसका ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, उसका ये स्पेशल पैड चेंज करने से पेपर आपका सिंगल उठाना शुरू कर देगा, एक ये चीज़ है। दूसरा जो मैंने आपको बताया रोलर का, रोलर अगर इसका समटाइम ये होता है कि आसान तरीका मैं आपको बता दूं, अगर ये पेपर दो दो ये स्किप कर रहा है, पेपर प्रॉपर उठा नहीं रहा, तो इस ये जो रबड़ होती है उसको इसको बाजू कर दिया जाता है कि इसको मूव कर दिया जाता है, थोड़ा सा मूव करके आगे कर दिया जाता है ताकि जो पेपर को पिक कर रही होती है वो जगह घिसी हुई है तो उसको थोड़ा सा आगे मूव करके तो उसकी रबड़ पीछे कर दी जाती है, जिस वजह से पेपर उठाना शुरू कर देता है। और उसके बाद एक और जो चीज़ है, ये आप देखें, ये इसके फर्स्ट ट्रे और सेकंड ट्रे का भी क्लच होता है, जो क्लच ये प्रेस होता है तो ये गरारी मूव होती है। इस क्लच का ये होता है समटाइम ये होता है यहाँ पे नीचे इसकी एक गम सी लगी होती है, तो समटाइम ये होता है कि ये इस तरीके से प्रेस हो जाता है नीचे, ये यहीं पे स्टक हो जाता है, अटक जाता है। इसके अटकने वजह से आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ती है, तो इसका ये होता है कि इस जो क्लच आता है, इस क्लच को क्या करना चाहिए, या इसकी ये जो जगह है इस जगह पे वो गम सी साफ कर ली जाए, या पे एक टेप का पीस लेके वो लगा दिया जाए ताकि ये इसके साथ चिपके ना, तो ये ताकि मूव इजीली होता रहे, जिसकी वजह से आपका प्रिंट चलता रहेगा। एक ये क्लच है। दूसरा जो सेकंड ट्रे का क्लच होता है वो इसका ये नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी बाज़ूकात इस तरह की चीज़ आ जाती है कि ये नीचे होके यहाँ पे स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, तो इसकी वो नीचे से सफाई कर लें रिले की और ऊपर टेप का एक छोटा सा पीस लगा दें, जिसके बाद ये मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये होगी दो चीज़ें। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका जब फर्स्ट ट्रे का सम टाइम ये होता है कि आपकी फर्स्ट ट्रे से पेपर उठा नहीं रहा, जब पेपर नहीं उठाता है तो उसका क्या हल है कि इसका ये एक रोलर लगा होता है, ये पिकअप रोलर होता है फर्स्ट ट्रे का। ये पिकअप रोलर के ऊपर भी ये आप देखें गौर से, अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये भी कट से बने हुए हैं, अगर ये कट प्लेन हो जाए तो इसके भी यही प्रॉब्लम होता है कि ये पेपर स्किप करना शुरू कर देता है।
तो इसकी क्या सूरत हाल है, इसको भी ज्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि इसके रबड़ को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, उसकी साइड चेंज कर देते हैं, जिसके बाद ये पेपर पिक करना शुरू कर देता है। अगर ये रोलर पूरा स्लिप होना शुरू हो जाए, जिसके ऊपर ये काट खत्म होना शुरू हो जाए, तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि इस रोलर को हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हो गया दूसरा टोनर। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ, इस प्रिंटर पे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये प्रॉब्लम थी कि ये कंटिन्यूसली क्या होता था कि इसके जब हम प्रिंट देते थे फर्स्ट या सेकंड पेज ठीक निकल आता था, लेकिन ये है कि जब इकट्ठा पेज देते थे प्रिंट निकालते थे तो ये पेपर नीचे से उठाता था, तो कुछ पेज निकाल लेता था, तो कुछ ही एक आध पेज यहाँ पे आके आउट बिन पे आके यहाँ पे रुक जाता था, जिसका क्या होता था कि उस वजह से प्रिंटर एरर पे चला जाता था। तो उसका हमने क्या हल किया है, इस प्रिंटर का ये सेपरेशन पैड का सबसे मेन मसला था। समटाइम ये होता था कि पेपर जब उठा रहा होता है तो उसकी टाइमिंग के मुताबिक पेपर ऊपर जा रहा होता है, तो कुछ एक पेपर ज़रा सा स्किप होने की वजह से उसकी टाइमिंग आउट हो जाती थी, जिसकी वजह से अगला पेपर एग्जिट अभी नहीं हो रहा होता था, दूसरा पेपर उस तक पहुंच चुका होता था, जिस वजह से ये सेंसर ऑपरेट होते रहते, वो एग्जिट पॉइंट वाला सेंसर ऑपरेट नहीं होता, जिस वजह से वो पेपर यहाँ पे स्टक हो जाता था। ये प्रॉब्लम अक्सर फेस होती है, लेकिन उसको डायग्नोज करने के लिए आप फ्यूज यूनिट की तरफ चले जाते हैं, फ्यूज यूनिट को चेक करना शुरू कर देते हैं। फ्यूज यूनिट भी अगर आपका ओके है तो आप एग्जिट बिन के वो देखना सेंसर को देखना शुरू हो जाते हैं, वो भी अगर ओके है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका पिकअप रोलर भी ठीक है। तो उसका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस ये ट्रे का अगर सेपरेशन पैड में भी इश्यू आ जाए तो आपका ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा कि पेपर जब मूव हो रहा होगा तो मूव में स्लो, ज़रा से भी स्लो होगा तो वो पेपर जैम होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसके ये ऑप्शन थी, और फर्स्ट ट्रे पे ये होता था कि फर्स्ट ट्रे पे अगर आप पेपर रखते थे तो पेपर लगाने से ये होता था कि पेपर उठाता नहीं था, पिक नहीं करता था, एक आध पेपर उठा लिया दूसरा। दूसरा ये है कि ये इसके हमने जो रिप्लेस किया है कि ये जो रॉड पूरा है, इस रॉड में प्ले बहुत ज़्यादा थी, इसकी प्ले थोड़ी सी होनी चाहिए, तो इस रॉड में प्ले बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने ये रॉड चेंज की है। रॉड चेंज करने में जब दूसरा रॉड लगाया तो हमारी जो फर्स्ट ट्रे वाली भी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो गई। तो इस लिहाज से छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो प्रिंटर में तकरीबन यूजर्स को फेस करने पड़ते हैं, तो वो इसी तरह के इश्यूज होते हैं। बाज़ का ये होता है कि आपके जब आप प्रिंट निकाल रहे हो तो आपकी प्रिंट क्लियर नहीं आ रहा होता या मध्यम होता है, लाइट लाइट होता है, उसका क्या इशू होता है, उसका इशू ये होता है कि उसका ये ऊपर स्कैनिंग यूनिट लगा होता है, स्कैनिंग यूनिट को हम खोल के अंदर से साफ करते हैं। तो ये था व्यूअर आज का प्रिंटर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराना, तो इस लिहाज से आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, पसंद किया और मेरे चैनल्स को आगे प्रमोट किया और वीडियो शेयर की, और कमेंट्स में आप लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए थे तो मैंने कहा था कि आज मैं इसका प्रॉपर आपको एक बता दूं कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ जाते हैं और इनका क्या क्या रेजोल्यूशन है। तो इसके साथ ही आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।